हमें सबसे पहले नई दिल्ली से ए के मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है, जो कि टीवी पैनलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। मिश्रा जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे आज के जी दूसरे जी मेहमान असम से डॉक्टर अशमा बेगम हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, साथ ही सोशल वर्कर हैं। अशमा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनु जी, नमस्कार। अब मिश्रा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हिंदू पर्सनल लॉ है, ये क्या है? यूसीसी की तरफ हम अपने सब्जेक्ट की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम आपसे थोड़ा सा इस पर जानना चाहेंगे। देखिए मैम, अगर हिंदू पर्सनल लॉ की अगर आप बात ये करेंगे आजादी के बाद से या जो करंट अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अब इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों में देखिए। जैसे अभी आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, जिसमें एक चीज को तो मैं मानता हूँ, पहले ये था कि अगर किसी पुत्र को डिसेबिलिटी होती थी तो उसको शासक वगैरह ये डिक्लेयर नहीं किया जाता था, उसके कॉम्पिटिटिव रीजन थे कि अगर आप राजा हैं, आपको राजा बन रहे हैं तो आपको हेल्दी होना चाहिए था, वैरियर पर्सनालिटी का होना चाहिए था। लेकिन इसमें जो अभी हिंदू जो लॉ या कानून जिससे हम लोग गवर्न होते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह, ये जो आजादी के बाद से ये हिंदू कोड बिल वगैरह की जो संरचना हुई है, अब आप इसको पॉजिटिव बोलिए या निगेटिव बोलिए। अच्छा एक चीज और है, आप ये देखिए, इसी के पैरलर बातें उठी थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जो उन्होंने स्थापना की थी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ये दो मेन रिलीजन थे तो दोनों के ही बहुत सारे डिफरेंसेस होते थे, दोनों के जो रिलीजियस एक्टिविटीज या मान्यताएं अलग होती थी, तो सरकारों को या ऐसे लोगों को लगा वहां पे कि इन लोगों के लिए कुछ एक अलग से गाइडलाइन बनाई जाए जिसने कि कानून का रूप लिया। ये चीज बोलना कि हिंदू महिलाओं को अधिकार दिलाना, इक्वलिटी का, या उनको समाज की मुख्य धारा में लाना, इससे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। आप ये पूछिए, आप ये देखिए, डिफरेंट देशों की आप संस्कृति को देखिए, और जब से हमारे इन्वेजन, मतलब जब हमारे यहाँ इन्वेजन नहीं हुए थे तो महिलाओं को आपने कौन सा अधिकार दिलाया? इससे ज्यादा अधिकार तो महिलाओं को हम लोगों को पहले ही मिले थे, उनको देवी का दर्जा प्राप्त था, उनकी पूजा होती थी। हजारों आपको एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पदों पे जो है महिलाएं रही हैं, उनको विशेषाधिकार होते थे, लेकिन फिर भी कुछ एक जो है कुप्रथाएं आ गई थी। जैसे आप ये देखिए कि डाउरी की प्रथा, हालांकि डाउरी प्रथा पहले भी थी लेकिन वो दूसरे फॉर्म में थी, वो कुरूति के रूप में नहीं थी, इससे रिलेटेड। और इसके बाद आप ये देखिए, किसी की अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जो है चिता में जला दिया जाता, सरस्वती होती होने का, ये सब कुछ एक सिचुएशन के कारण ये सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी जो बाद में समाज में चलती चली आई। राजा राम मोहन राय ने इन सब चीजों पर बहुत काम किया था, तो इसके लिए एक हिंदू कोड बिल लाया गया। और मजेदार बात आप ये देखिए, जो सहिष्णुता की बात होती है, एक ही बिल से हिंदू और उससे रिलेटेड जितने भी रिलीजन होते थे, जैसे आप देखिए बौद्ध हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, वो सब उसमें ऑल इंक्लूसिव हो गए। किसी ने कोई जो है इस चीज को जब इंप्लीमेंट किया गया, कोई बहुत ऐसा विद्रोह मार काट नहीं हुआ, जबकि छेड़छाड़ हमारे बेसिक मान्यताओं से, क्योंकि शरिया लॉ से रिलेटेड भी आपका है, आप जरा सा भी कोई एक बिल ले आकर के उसमें छेड़छाड़ करके देखिए क्या आपको रिजल्ट होता है। बहुत ही आसानी से उन सब चीजों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया और हम लोगों ने मान भी लिया। खैर अब वो सही है कि गलत है, ऐसा कोई बहुत विशेष अधिकार या ऐसा चीजें उन्होंने नहीं दी है। आप चाहे पुरुष की बात करें या महिला की बात करें, पहले ही वो बहुत ज्यादा अधिकारों से संपन्न थे, इंक्लूडिंग महिलाओं के, महिलाओं का दर्जा ज्यादा ऊंचा था। तो जो ट्रेडिशनल वे में जो हमारे कोर्ट चलते थे, जो बिल चलते थे, जो नियम चलते थे, उसको रिटेन वे में किया, लेकिन वो उस लेवल को मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डाइवोर्स वगैरह की प्रथा है। और एक चीज और बताऊं, जो हिंदू बिल वगैरह लाया गया है, अब आप ये देखिए, एक अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो उसका भी बेस इन्होंने जो बनाया, दयाभागा और मिताक्षरी, दो स्कूल ऑफ थॉट है, उसके अनुसार ये डिसाइड होता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उसमें कैसे होगा, ये दो स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं, दयाभागा और मिताक्षरी से। और पूरे ऑल ओवर इंडिया के या ऑल ओवर वर्ल्ड के जहां पे भी हिंदू हैं, अगर हिंदुओं में प्रॉपर्टी का बंटवारा ट्रेडिशनल हो तो इसी चीज को बेस वहां पे भी बनाया है। लेकिन जैसे कि पिछले डिबेट में भी आपने बोला था कि राजनीति यहाँ पे भी हुई है, आगे जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे इन चीजों को संकुचित कर दिया गया, कैसे किसी एक चीज को देखा जाए तो वहां पे दबा दिया गया एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, या किसी को अपीज करने के लिए, अपीजमेंट वगैरह, इन सब चीजों के लिए। आप डिबेट को ओपन करिए, इसको डिटेल में हम इसका पूरा स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक वे में एनालिसिस करेंगे।
जी बिल्कुल मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज के लिए। अपमनोखा अश्मा ही जी, होता है। हाँ हाँ अश्मा जी, ऐसा अब ही हाँ होता जी, है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में शरीयत लाभ क्या है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। क्या बोले आप? शरीयत लॉ क्या है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो आप लोगों का अलग से, वो क्या है और समाज में वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है? शरीयत लॉ जो वही है जो इन्होंने पूरा शरीयत हिसाब से हम लोगों के लिए बनाया गया है, बट बहुत सारे लॉज मैं नहीं मानती हूँ, मैं नहीं नहीं, मानती आप तो नहीं मानते हो, लेकिन हूँ। अगर कोई मौलाना या इमाम साहब बैठे हो तो वो बहुत सारी चीजें निकाल के लाते हैं। तो आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा मानती हैं एज कंपेयर टू शरीयत लॉ के? जी, मैं कुरान शरीफ को मानती हूँ, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ, लेकिन जो लोगों ने बनाया है नीति नियम जो जी हम लोगों के लिए खराब है वो नहीं मानती हूँ, लेकिन जो लोगों ने हम लोगों के लिए अच्छाई के लिए जो नीति नियम बनाए हैं अच्छाई के लिए, जहाँ पे औरतों को फायदा हो, वो मैं मानती हूँ, वो चाहे कोई भी बनाए। जैसे हम लोगों में बहुत सारे ऐसा लॉज है जो कुरान शरीफ में है नहीं लेकिन हदीस में है, जो हम लोगों के लिए आज की डेट में सूट नहीं होता है, तो ऐसा डेट ऐसा लॉज को मैं नहीं मानती। तो कुरान शरीफ और जो हदीस के बीच का डिफरेंस है, इसको बताइए अश्मा जी। कुरान शरीफ ऐसा है वो नाजिल हुआ किताब है, जैसे चार किताबें आसमानी किताबें नाजिल हुआ था, जैसे जी तौरीद हो गया, जुबूर हो गया, इंजील हो गया, कुरान शरीफ हो गया, इनका मतलब ये नाजिल हुआ किताब है। इसमें आपको इसमें बहुत सारे रिसर्चे चल रहे हैं, सबसे लेटेस्ट तो आपका कुरान शरीफ ही है, तो लेटेस्ट वाले में भी हो रहा है, लेकिन बहुत साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली लिखी गई किताब है, इसीलिए इसमें अभी भी कोई ऐसा नुस्खा अभी तक लोगों ने निकाले नहीं। हदीस जो है, हजरत साहब के बाद जो उनकी खलीफा, इन्होंने हदीस को थोड़ा बहुत इनका भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन। इसकी पहले वाले इंटरव्यू में भी मैंने आपको मनु जी कहा था कि रिलीजियस जितना भी बायलॉज बने थे ना दुनिया में, एक भी रिलीजियस जो मीटिंग हुआ था उस बायलॉज बनते हुए एक भी औरत नहीं था, तो मैं नहीं मानती कि औरतों के लिए काफी अच्छा हम लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों को ध्यान में रखे गए बनाए हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो जो जो लोग वहां पे, जो जो जेंडर वहां पे प्रेजेंट थे, उन्होंने तो अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ लॉ बना दिया, जो रह गए वो फीमेल। अब मर्द जी जितना भी कुछ करे ना, मर्द क्या है तो अच्छा ही होगा, लेकिन औरत जितना भी अच्छा करे कुछ ना कुछ खामियां है। वैसे सारे बहुत सारे डिबेट आते हैं एक्चुअली, अभी वो हम लोग काफी आगे आगे हैं उस डिबेट से, लेकिन मैं अभी भी नहीं मानती हूँ। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने हलाला वाला बात किया था, मैं नहीं मानती हूँ। दूसरा, मैं वो देवदासी वाला भी नहीं मानती हूँ। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने हम लोगों का सतीदास प्रथा ये बंद किया था, बहुत उससे हम लोगों का जो औरत है वो काफी उन लोगों को वो मिला, क्या उससे एक निजात मिले, सतीदास प्रथा। क्यों अपने लाइफ को किसी के लिए हम लोग सेक्रीफाइस करें? इफ वी डोंट वांट, यू कैन नॉट फोर्स अस, लाइक हलाला ऑल्सो, इफ वी डोंट वांट, आप हमें कोई फोर्स नहीं कर सकते हो, आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप ये लाइफ आपने नहीं दिया है, भगवान ने दिया है, उनका ही खाली वो चलेगा, उनका बात लेके कोई कोई आके बोलेगा ऊपर वाला ने ऐसा बोला है, पहले तो प्रूफ दिखाओ कि अब बोला है क्या नहीं बोला है। व्हाई शुड आई डाई फॉर यू, आप मेरे कनिंगली मेरा जान नहीं ले सकते ना। तो वैसा ही औरतों के खिलाफ मैंने हमेशा हर जगह देखा है, रिलीजियसली महिलाओं को कभी आगे बढ़ना कभी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। ये जो महिला आज आगे बढ़े है ना, अपने दम पे बढ़े है, या किसी की फैमिली अच्छी हो जो पढ़े लिखे हो, जा मैं इसको नहीं मानती, तुम आगे बढ़ो, हिम्मत से आगे बढ़े है। अदरवाइज हर कोई तो अरे ये मत करो दुनिया खराब करेंगे, वो मत करो दुनिया खराब बोलेंगे, अरे दुनिया ने आपको अगर नहीं देख रहा है, आप अपने कमाई से खा रहे हो पहन रहे हो, तो आपको क्यों परवाह करना है उनसे साथ, लोग जो बोले अश्मा जी, बोले। एक्चुअली यहाँ एक बात आ जाती है, आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, वो थोड़ा खुला समाज है, वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छी ग्रूमिंग भी मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ऐसे एरिया की जो सेंट्रल इंडिया है, कुछ पोर्शंस है जहां पे आज भी मुस्लिम महिलाएं हो या हिंदू महिलाएं हो,
वो इस तरह से बेबाकी से बात नहीं रख पाती हैं। हालांकि आज हिंदू महिलाएं काफी आउटस्पोकन है, वो बाहर निकलती है, वो अपनी मर्जी से जीवन यापन करती है, लेकिन बहुत अभी भी हमारे समाज का एक तबका ऐसा है जहां ये लिबर्टी, ये आजादी, ये पढ़ाई लिखाई उनके लिए आज भी एक ख्वाब जैसा लगता है। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अशमा जी ने अभी कहा कि जब भगवान सारे रूल रेगुलेशन धरती के, दुनिया के इंसानों के लिए बना रहे थे, सारे पुरुष थे वहां पे, वो किसी भी धर्म के, वो महिलाएं नहीं थी, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। बहुत सारे रिलीजन के लिए है ये। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आप ये देखिए, अगर सनातन धर्म की बात करें, बौद्ध और सिख वगैरह, जैन वगैरह की आप बात करें, मैं हिंदू धर्म की जी बात करता हूँ। आप ये देखिए, भगवती की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवती की उत्पत्ति ये हुई कि राक्षसों के शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से जब सारे देवता हार गए, तो सबने स्तुति की कि हे भगवती, आप प्रकट होइए। सारे देवताओं ने उनको शक्ति दी, उनको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। अब हम लेटर ऑन चलते हैं, लेटर ऑन चल दिया, आप देखिए गार्गी का, पाणिनि का, बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं। इवन आप ये देखिए, राजा राम के यहाँ जो उनकी चार माताएं थी, उसमें कैकेयी का रोल देखिए, उसने अपने विशेष अधिकार को, यानी जो एक वचन दिया था, उस वक्त मैं उसने वो नहीं प्रयोग कर बोल रही दिया। हूँ, मैं बोल रही हूँ रिलीजियस जब बायलॉज बन रहे थे तब कोई महिलाएं नहीं थे। बाद में आप जो करे नहीं करे नहीं कि आपका जरूरत नहीं था नहीं ना ऐसा उस नहीं है। समय, देखिए नहीं नहीं आपको नहीं मैं जरूरत था बता उस रहा हूं। समय कि नहीं नहीं कैकेयी के पास ऐसा हो, भागवती जी का हो, आपका जरूरत था नहीं नहीं तब, देखिए इसीलिए मैं आपको भागवती जी बताऊं, आए। गंगा सना गंगा इसीलिए हाँ आए क्योंकि लाया गया। सुनिए क्यों सुनिए लाया सुनिए, नहीं गया? मैं क्योंकि बता रहा हूं, जरूरत नहीं, था, लेकिन बायलॉग बनते समय कोई नहीं था, ना बीबी फातिमा सनातन थे, में सुनिए, ना नहीं पार्वती थे, ना कोई नहीं नहीं सीता थी। सनातन में कॉन्सेप्ट अलग है मैम। सनातन में कोई बायलॉज ऐसा नहीं हुआ कि साल, 2 साल या 5 साल में, जैसे कुरान हुई, कुरान शुरू से लेके अंत तक बन गई, 10 साल, 20 साल, 30 साल, अब उसमें एक नुक्ता का भी आप फर्क नहीं ला सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो आप ये देखिए, जब से ये सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट आया है, तब से लगातार वैल्यू एडिशन होते रहे हैं। अगर बुराइयां रही हैं, तो उसको शास्त्रार्थ करके करके पंडितों ने, उसमें महिलाएं भी होती थी। शंकराचार्य को हराने वाली जो थी, मंडन मिश्रा की वाइफ थी, जब शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हराया था, तो महिलाएं भी अपना योगदान देती थी। और आज भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि अगर वो तो कोई बुराई जरूरत थी समाज में ना, आ जरूरत गई, थी, जरूरत थी। आप हमारे यहाँ लोगों ने कोई, किसी ने हमारे भेजा यहाँ नहीं उनको, नहीं 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 आप नहीं लोगों ने किसी बायलॉज ने बनना, भेजा नहीं, हमारे जरूरत थी, हमारे यहाँ उनकी भी बायलॉज जरूरत बनना थी। बंद नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कोई ऐसी आसमानी किताब नहीं है कि एक बार वो कंप्लीट हो गई और डिक्लेयर कर दिया गया, ये फुल नॉलेज है, इससे बेटर नॉलेज न कभी था, न है, न होगा। हमारे यहाँ नॉलेज हमेशा एक धारा की तरह वेद क्या प्रवाहित है, होती वेद रहती क्या है। है मिश्रा जी? वेद, वेद को बिलीव करते हैं आप? नहीं हाँ, वेद, मैं बता रहा हूँ वेद क्या है। तो वो ऐसा कौन सी नहीं है कि किताब है, वेद, हाँ मैं आपको कौन सी बता रहा हूँ किताब कौन है, सी कहाँ से किताब आए, है वो। किसने लिखे नहीं है? हमने, नहीं हमने ये नहीं बोला कि वेद एक लिमिटेड हो गया, एक रिस्ट्रिक्शन हो गया, कि वेद के बाद चीजों चार में चार सुधार नहीं हुआ वेद या मिश्रा जी, नहीं। अरे चार वेद के बाद आप पुराण भी देखिए ना, उसके बाद कितने सारे उन चीजों की व्याख्या होती रही है। शंकराचार्य ने आके बहुत सारे सुधार किए, और जितने बाद में कालांतर में, और इंक्लूडिंग अभी भी, मैं बताऊं बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है जहां डिबेट होती रहती है, नए चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पुराने चीजों को एबोलिश कर दिया जाता है। जिसका एक उदाहरण देखिए, अगर सती प्रथा गलत थी तो उसको एबोलिश किया गया। एक उदाहरण और देखता हूँ, ऐसा भी सुना जाता है, मैंने देखा नहीं है, कि पहले शायद मंदिरों में कहीं बकरे उकरे की बलि दी जाती थी, वो भी एबोलिश हो अभी भी गया। हम देते सब हैं? लोगों ने, नहीं कहीं नहीं, अभी देते भी होंगे, मुझे कामाख्या में पता बड़ा नहीं, होता है, कामाख्या लेकिन बहुत में सारे अभी भी जगह पे, वो हाँ बलि होता है, भैंस बलि होता है, बहुत अभी भी होता है। बहुत सारे जगह पे या तो एबोलिश किया या उसका रूप उन्होंने चेंज कर दिया, कि अब भाई वो वहां ले जाके प्रेजेंट कर देते हैं बकरे को, उसके बाद छोड़ देते हैं, या नारियल वगैरह की बलि दे देते हैं, नींबू की बलि दे देते हैं, माजुक फल एक होता है उसकी बलि दे देते हैं, ये मान के कि ये इक्विवेलेंट वही है जीव हत्या के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सनातन रिलीजन में कोई चीज फिक्स नहीं हुई। सनातन का मतलब ही ये है कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यू एडिशन, कॉन्टिन्यूअस अपग्रेडेशन, और कोई एक आदमी ने इसको नहीं बोला है, किसी एक आदमी ने ये उसका फरमान नहीं है कि जो जो हम बोल रहे हैं वही सही है। यहाँ पे हर भगवान वक्त आदमी नहीं चैलेंज है किया ना, गया है। नहीं भगवान भगवान को भी आदमी यहाँ पे नहीं है चैलेंज ना। किया गया। देखिए आपके यहाँ चैलेंज नहीं होता, हमारे यहाँ तो भगवान को चैलेंज, अर्जुन को बोल रहे थे तुम तीर चलाओ, वो उन्होंने बोला कि मैं भगवान हूं, मेरे से बड़ा। अर्जुन बोला अरे मैं क्यों चलाऊं भाई, तेरे कहने से मैं तीर चला दूं, तू पहले मेरे को समझा कि मैं क्यों तीर चलाऊं, और उनको फिर गलत अल्टीमेटली होगा, उनको बताना पड़ा। जब वो कन्विंस हुआ तभी, हमारे यहाँ पे भी फोर्सफुली कोई चीज नहीं करते हैं, एक इतना एक आदमी जब मजांगो नहीं किया कन्विंस पड़ा, हो जाता है, तब उसके जो बाद उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से परख के सोसाइटी में इम्प्लीमेंट एज ए लॉ की तरह वहां पे दिया जाता है।
और बहुत वैरायटी रहती है, आप चाहे तो उसको माने चाहे तो मॉडिफाई कर ले, विशेष कंडीशंस में उससे आपको छूट भी दी जाती है। तो इसका मतलब एक तरह से ये एक क्रक्स निकल के आता है मिश्रा जी, अशमा बेगम जी, कि मुझे लगता है कि जो ये धार्मिक डिस्टेंस है ना समाज के भीतर, अब एक तरफ हम देखते हैं मदरसों में कुरान तो पढ़ाई जाती है, लेकिन किसी भी धार्मिक संस्था में गीता कभी नहीं पढ़ाई जाती, इवन हिंदू परिवारों में गीता नहीं पढ़ाई जाती है। मुझे लगता है कि समाज को, क्योंकि सरकारों के का ये काम नहीं है, समाज को मिलकर एक इस तरह का करना चाहिए कि एक दूसरे, अपने धर्म को तो बिल्कुल, पढ़े ही वेरी पढ़े, ट्रू, एक दूसरे के धर्म को वेरी भी पढ़े, ट्रू, ताकि ताकि वेरी ये ट्रू, जो एक मिसकंसेप्शन है ये चीजें दूर हो, कि हमें उसके बारे में आधी नॉलेज है, हमने कहीं से सुन लिया, हमने डिस्कस कर लिया, दूसरे धर्म के बारे में कोई और इशू हो गया उसका हमें नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है सामाजिक दायरे में सबको अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म को भी पढ़ना आना चाहिए। हम अपने अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं मिश्रा जी, आप की एक तरह से शरीयत लॉ और एक हिंदू पर्सनल लॉ के बारे में आपने एक्सप्लेन कर ही दिया। अभी पिछले कुछ सालों से, हालांकि 1947 के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसी भी सरकार ने बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं की कि इस पर वर्कआउट किया जा सके या इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। क्यों? क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो धार्मिक नेताओं और राजनीति में उफान आ जाता है हर तरफ, और वो उफान जब इंप्लीमेंट होता है, जनता के ऊपर आता है, तो हम देखते ही हैं कि किस तरह के इश्यूज देश के हर कोने में देखने को मिलते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी जरूरत है इस वक्त देश को? देखिए, एक चीज और, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम मैं लूंगा। अब जरा अगर जी बात है हिंदू और इन सब रिलीजन की, जरा शरिया को भी समझ ले। मैम ने जी उतने माइक्रो लेवल पे बताया नहीं। देखिए है क्या, जब जी कुरान नाजिल हुई उसकी आयतें, तो उसके जी पहले क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते थे, कबीलाई, उन सबको मैनेज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जैसे ये कुरान टाइप का आया, एक गाइडलाइन आई, उसको कानून मान लिया गया और ये माना गया कि ये मुकम्मल है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। दिस इज वन थिंग, ये जी लिमिटेशन है वहां पे। हमारे यहाँ जी कोई चीज मुकम्मल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, हमेशा समय के हिसाब से उसमें रिसर्च और चेंजेस होते रहते हैं। दूसरी चीज हुई, जो शरिया लॉ की बात होती है, इनके 4 स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे मैंने हिंदुओं में बोला कि अगर प्रॉपर्टी वगैरह का बंटवारा है, दया भागा और मिताक्षरी, इनके यहाँ 4 स्कूल ऑफ थॉट है जो इन सब चीजों को रूल करते हैं या बनाते हैं। हनफिया करके है, मिलिकिया करके है, शफिया करके है और हनबलिया करके है। इन्होंने वैल्यू एडिशन, मैं बोलूंगा, अपने अपने बाबा हिसाब से उन चीजों को लड़ाकू इंटरप्रिटेट खुली किया, ध्यान, तुम नियम वहीं बनाए, से, कानून बनाए। और तुम एक चीज वहीं मैं से बाद में बात करूंगा जब आप उस पे आएंगे, अगर आप जी कोई स्ट्रेटजिक और टेक्टिकल वे में करिए ना, तो ये कोई सोशल रूल नहीं है। जैसे सनातन को आप सोशल रूल बोल सकते हैं, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी। तभी हमारे यहाँ ऐसा मंत्र है कि वसुधैव कुटुम्बकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः, पेड़ पौधों तक के भी, यहाँ पे जानवरों के ये भी, हरी कोड़ी वो भी सुखी हो, इसकी भी कामना की गई है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए, लोअर यहाँ मोहल्ला पे क्या बुद्धि है, दुख अगर आप खाई इसको माइक्रो लेवल पे, स्ट्रेटजिक और टेक्टिकल लेवल पे आप इसको करिए, देखिए, तो ये एक बहुत शातिर, बहुत खूबसूरत, बहुत एडवांस लेवल की स्ट्रेटजिक प्लानिंग है। किस चीज के लिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग है? बिना काम किए हुए हम बादशाह कैसे बने, हम राजा कैसे बने, धन दौलत को कैसे किया जाए बिना काम किए हुए, बिना कोई चीज का इन्वेंशन किए हुए, इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अपने लोगों को काबू में कैसे रखा जाए, और जो अपने बिरादरी या अपने मान्यताओं को न मानने वाले दूसरे लोग हैं, दूसरे रिलीजियस लोग, उनको भी कैसे अपने काबू में रखा जाए। तो जैसे देखिए, चाइना में बोलते हैं वार ऑफ आर्ट एक किताब थी, युद्ध की कला थी, स्ट्रेटजी, जी जो जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है। तो आप जी इसको एक रिलीजियस और सोशल उससे मत देखिए, मैं इसको एक बहुत माइक्रो स्ट्रेटजिक और टेक्टिकल लेवल की प्लानिंग समझता हूँ, जो बिल्कुल जो सही इन ना, जिन लोगों ने ये खेड़ी बनाया है कि कैसे अपने अकुलम स्वार्थ को, बोटवा। अपने बेनिफिट को मेंटेन करके रखा जाए, और कैसे फ्यूचर के लिए भी हम हर चीजें जो है बिना कुछ किए कॉन्कर करते चले जाए। मैं आपको एग्जाम्पल देके इस चीज को प्रूफ करूंगा आगे चल के। दूसरी चीज देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें भाई नया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। इसका इतिहास ये है कि जब इन्वेजन शुरू हुआ, यानी आप 800 1000 साल देखिए, उसके पहले आप देखिए राज्य अलग होते थे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड सब जगह था। उसके पीछे कारण है कि आप अफगानिस्तान से, कंधार से लेके, या जहां तक भारत था, 73 भारत की अगर मैं बात करूं, एक दो जी चीजें बदल जाती थी, जैसे लैंग्वेज बदल जाती थी, थोड़ा बहुत खाना पीना बदल जाता था, कपड़े बदल जाते थे मौसम के हिसाब से, बाकी सुबह उठने से लेके शाम तक जितनी अच्छी बुरी घटनाएं समाज में होती थी, सब जगह का रूल सेम था, विधान सेम था, भले लिखित संविधान कुछ भी नहीं रहा हो, लेकिन प्रैक्टिसेस सेम थी।
आपको अगर कोई आदमी बिना बताए आ जाए तो वो अतिथि ही इंटरव्यू था होता था, वैसे। हर लैंग्वेज में उसको अतिथि ही बोलते थे। उसको कैसे ट्रीट किया जाए, वो उस विधान एक ही जगह था, नियम कानून एक ही जगह थे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का गोल्डन पीरियड अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ये पहले बहुत अच्छे तरीके से था। अब हुआ क्या, गुलामी के टाइम पे और आजादी के बाद से इतनी सारी इम्प्योरिटी आ गई। देखिए वो हुआ क्या, क्लैशेस शुरू हो गए बहुत सारी चीजों को लेके। कुछ एक पर्टिकुलर विशेष रूल या धर्म को मानने वाले उन्होंने ओवर रूल करना शुरू कर दिया एक चीज का बहाना लेकर के। फिर करंट में गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने, सोसाइटी ने इस चीज को समझा कि भाई अगर एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए उनके अधिकार, उनके विशेषाधिकार, उनके दंड भी तो सेम हो ना। एक ही अपराध मैं करूं, एक ही अपराध डॉक्टर मनु करे, और सेम अपराध अगर डॉक्टर आशमा करें तो किसी को जो है मुक्ति मिल गई, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया, किसी को सांकेतिक तरीके पे बेल दे दिया गया, तो ये नियम तो नहीं चलेगा ना। अगर एक्ट सेम है तो उसकी प्राइस यानी उसका पुरस्कार या उसका दंड दोनों सेम होना चाहिए। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, इतने डिफरेंट तरीके की चीजें हो गई हैं वहां पे कि एक शांति बनाए रखना या सबको एक पैरामीटर पे लेके जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें चलने लगी, और ये बात सही भी है। पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड था, और उसके किसी ने विशेष, यहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग आए, केवल मुसलमान ही नहीं आए, लेकिन और लोगों की खूबी ये रही कि जो आए वो यहाँ के हिसाब से, यहाँ के नियम के हिसाब से ढल गए। भाई हुंगड़ ढल आए, गए ये सब हैं। आए, अब सब देखिए ढल गए। इन्होंने कभी यहाँ, यहाँ के जमीन से जुड़े हुए जो रीति रिवाज है, जो कानून है, उसको माना नहीं। ये यहाँ के संविधान को आज भी चैलेंज कर रहे हैं, बोलते हैं कि भाई हमें संविधान से क्या मतलब है। उनके लिए तो कुछ चीजें हैं जो आसमान से नाजिल हुई है और जो कि बड़ा स्वार्थी टाइप का है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, एक दिन, मैंने स्वार्थी का फोन नहीं पे है, भी जहाँ बताया था। प्रैक्टिकल नहीं है उसमें बात नहीं करना चाहिए, नहीं जो नहीं बात प्रैक्टिकल नहीं है नहीं उसमें नहीं बात करना चाहिए। नहीं नहीं बात प्रैक्टिकल की नहीं है। अगर चीजें प्रैक्टिकल नहीं है तो जानते वो लोग भी हैं, जो मौलाना इतना विद्वान हो, जाकिर नाइक वगैरह जैसे जो बहुत पढ़े हुए हैं, वो नहीं जानते हैं क्या कि इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट किए पड़े हैं, उसके लिए तलवारें निकल रही हैं, उसके लिए युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, उसके पीछे रीजन है। उससे बहुत बड़ा पर्सनल बेनिफिट है, एक पर्टिकुलर आदमी का लगे बेनिफिट सर हो सकता है, एक ये पर्टिकुलर सोसाइटी तो का बेनिफिट हो सकता है, एक सर पर्टिकुलर यानी कि स्टेट का हाँ बेनिफिट मुलायम हो है सकता है। जैसे। वहाबिज्म, वहाबिज्म जो फैला है उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन है, फंडिंग वहां से जा रही है पूरे दुनिया में। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं सेल्फ, स्वार्थ, चाहे राजनीतिक स्तर पे, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे, चाहे धार्मिक स्तर। बीबीसी भाई से दे एक एक हस्बैंड, बीबीसी देखिए शरिया लॉ में क्या है कि अगर वाइफ पत्नी को रिस्पेक्ट ना दे तो 70 कोड़े मारिए, और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ इधर तो ये उधर बात करेंगे प्रैक्टिकल की नहीं है, लेकिन इधर ये देना चीजें कंसेशन हैं, आधा बहुत सारे भरे जगह पकौड़े पे हैं, ऐसे हो ही रहे आते हैं। तो ज्यादा। ये क्यों हो रही है, क्योंकि किसी न किसी का बेनिफिट है। वहां पे इस चीज को क्लियर कट इंडिकेट किया गया है कि वाइफ को कैसे कंट्रोल में रखिए, जो दूसरे मतलब अगर नॉन मुस्लिम है तो उनको कैसे कंट्रोल में रखिए। बिना पढ़े थैंक यू लिखे सर। बादशाह बनेंगे तो आप ही बनेंगे, कि ये फीलिंग बाई बर्थ, बॉर्न विद सिल्वर स्पून जो होता है, उससे भी बड़ी एक चीज है बॉर्न विद थ्रोन, कि सिंहासन के साथ आप अगर कहीं पैदा होइए तो वो शरिया लॉ में है। और केवल इतना ही नहीं, इसका डायमेंशन देखिए, एक्सपेंशन देखिए, शरिया लॉ, शरिया इकोनॉमी या हलाल इकोनॉमी। अब हलाल सर्टिफिकेट मिल रहा है, प्रोडक्शन कुछ करना नहीं है, अब सर्टिफिकेट के लिए क्या है, कमाई मतलब फीस है, इतना फीस दो तुम्हें हलाल का। अब हलाल इकोनॉमी पे कभी बात करेंगे तो वो कितना बड़ा इकोनॉमी ट्रैप है, बिजनेस अपना खड़ा करना है नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप है नहीं। पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज की कॉन्ट्रीब्यूशन अगर पेट्रोल को हटा देना तो पॉइंट में आता है मैम, पॉइंट में आता है, पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे है। तो बिना कुछ किए बॉर्न विद थ्रोन की वो मतलब ताज लेके पैदा हो, तो ये सब देखिए। इसीलिए मैंने बोला ये जो शरिया लेकिन लॉ ताज है भी तो मिश्रा जी ये बहुत बड़ा खानदानों ही के पास षड्यंत्र है ना, है। सारे मुस्लिम किसके कम्युनिटी पास, के पास वो ताज नहीं है, वो ताज भी कोई पर्टिकुलर उनके पास, आप ये देखिए। नहीं, अब देखिए, अब ये यही चीज समझना है। पाकिस्तान के सरकार ने एक बार बोला, एक मौलाना को वहां अपॉइंट किया, कोई डिस्प्यूट हुआ था कि बताओ भाई कितने तरह के मुसलमान हैं, तो उन्होंने बोला इस खित्ते में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही 1750 से ज्यादा डिफरेंट वैरायटी के मुसलमान हैं, उसके बाद और कितने हैं हमें पता नहीं। देखिए कॉम्पिटिशन या स्ट्रगल दो लेवल पे होता है, एक एक तो इंटरनल ये है होता है, मिश्रा जी, मिश्रा एक जी रोकूंगी एक्सटर्नल। आपको, मुसलमान मुसलमान होते हैं, मुसलमान मुसलमान होते हैं, उसमें ना स्वीपर होता है ना राजा होता है, एक के साथ एक का शादी होता है, ये कास्टिज्म नहीं है, ठीक
ठीक है, कोई अंसारी हो गया, कोई ये बोलता है कि हम लोग सैयद है, ये है, ये लोग बोलते हैं हाँ, क्योंकि उनके उनका जो सरनेम्स है ये बोलते हैं कि हाँ हम लोग अपर कास्ट लोअर कास्ट, बट मुसलमान तो मुसलमान होता है, यहाँ पे कास्टिज्म का वो नहीं होता है। ठीक है, आप अगर राजा के घर से आते हो, राजा वाला तो अपना एटीट्यूड राजा के जैसे रहेंगे, आप अगर राजा के बेटे हो तो आप वो ऐसे ही रहेंगे। तो मैं अगर कुमार की बेटी हूं तो मैं आपके सामने ना, आप हाथ जोड़ो या ना जोड़ो, मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ के ही खड़े रहूंगी, क्योंकि ये परंपरा है, हम लोगों को सिखाया जाए कि तुम अगर कुमार की बेटी हो, राजा के सामने जाके हाथ जोड़ना है, और राजा के बेटा जो है ना, तुमको उसी नजर से देखेंगे कि वो तुम कुमार की बेटी हो, वो राजा के बेटे के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो ऐसा लेकिन शायद का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दो चीजें हैं, मैं परंपरागत मुझे है, एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। जी, संस्कृति है, संस्कृति है हम जब लोग के यहाँ पे, और हाँ हम लोग का ये परंपरा है। तो परंपरा जो है ना, जब जब तक ये सब बुरे परंपरा नहीं जाएंगे और अच्छा परंपरा, नहीं नहीं इक्वेलिटी जब तक मैं नहीं आपको आएंगे, ये बताता सब हूँ। होगा नहीं। हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो दो जी, पैरामीटर से देखना चाहिए यहाँ पे। मैम ऐसे देख अशमा रही जी है, थोड़ा देखिए। फ्रेम ठीक कीजिए एक बार, एक सेकंड मिश्रा हाँ जी, अशमा जी थोड़ा सेंटर में आइए, आप थोड़ा सा साइड है। जी देखिए, जी है अभी क्या ठीक है, गाइडेड? अभी गाइडेड ठीक क्या है है? गाइडेड मतलब जी। प्रिंसिपल बेस्ड क्या चीजें हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। प्रिंसिपल बेस्ड तो मैम मैं बिल्कुल मानूंगा आसमा मैम की बात को, कि भाई भाईचारे की बड़ी बात है। प्रिंसिपल बेस्ड बात वहां पे ये भी है कि हाँ भाई, जानवरों पे भी रहम करो, ये भी करो वो करो। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं दोनों को देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि प्रिंसिपल बेस्ड बहुत अच्छी चीज है मैम, एक भी बुराई उसमें नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में आप देखिए, प्रैक्टिकल बेस्ड अब तीन तलाक है। मैं इस चीज को भी मानता हूं कि हो सकता है तलाक शब्द ही ना